हर किसी को अपनी ज़िंदगी में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग इसके आगे घुटने टेक देते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो हर मुश्किलों का डटकर सामना करते हैं। कुछ ऐसी ही दिल को झकझोर देने वाली कहानी उत्तर प्रदेश के नोएडा से सामने आई है। यहाँ एक महिला पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन इस महिला ने हिम्मत नहीं हारी। आज वो घर चलाने के लिए अपने 1 साल के दूध मुँहे बच्चे को गोद में बांध कर ई रिक्शा चलाती हैं। चंचल शर्मा नोएडा की सड़कों पर अपने 1 साल के बच्चे को लेकर ई रिक्शा चलाती हुई नजर आती हैं। चंचल अपने पति से अलग हो चुकी हैं और अपनी मां के साथ खोड़ा कॉलोनी में रहती हैं। लेकिन जब उनकी मां सब्जी बेचने जाती है तो बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। यही कारण है कि जब वो रिक्शा चलाती हैं तो अपने बेटे को साथ ले जाती हैं। चंचल से इस बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि ये चुनौती आसान नहीं है, लेकिन घर चलाने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चे को पहले वो अपनी माँ या फिर बहन के पास छोड़ देती थी, लेकिन हमेशा यह संभव नहीं होता। अब महीने में 2 से 3 बार ही वह बच्चे को घर पर छोड़ती हैं। उन्होंने गर्मी के दौरान नोएडा की सड़कों पर ड्राइविंग को भी याद किया। चंचल का कहना है कि इसके अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उमस भरी गर्मी में भी वह बच्चे को लेकर ऐसे ही ई रिक्शा चलाती हैं। गर्मी ने बच्चे पर भारी असर डाला। जैसे ही मैं गाड़ी चलाती थी वह रोता रहता था, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। चंचल ने कहा कि वह रोजाना 600 से 700 रुपये के बीच कमा लेती हैं। इस कमाई का लगभग आधा हिस्सा ई रिक्शा खरीदने के लिए किए गए कर्ज को चुकाने में चला जाता है। उन्होंने बताया कि बच्चे के लिए दूध की बोतल वह हमेशा अपने साथ रखती हैं। चंचल सेक्टर 62 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल सेक्टर 59 में लेबर चौक के बीच अपना ई रिक्शा चलाती हैं। चंचल की माने तो यह एक ऐसा काम है जहां वह अपने बच्चे को हमेशा अपने साथ लेकर चल सकती हैं, साथ रख सकती हैं। चंचल कहती हैं कि मैं अपने बेटे को वह जीवन देना चाहती हूं जो मेरे पास नहीं है। चंचल की माने तो जो भी यात्री उनकी रिक्शा में बैठता है वह उनकी तारीफ करता है। चंचल ने बताया कि वह अपने पति से अलग हो चुकी हैं और एक कमरे में अपनी माँ के साथ रहती हैं। चंचल कहती हैं कि बेटे अंकुश को मैं घर नहीं छोड़ सकती क्योंकि मेरी माँ एक ठेले पर सब्जी बेचती हैं। नोएडा की सड़कों पर माँ के इस संघर्ष को देख हर कोई उनके जज्बे और हिम्मत की तारीफ करता है। शैला ब्यूटी जोन हमारे यहाँ सभी तरह के मेकअप, जैसे नॉर्मल मेकअप, सिलिकॉन मेकअप, एयर ब्रश मेकअप और इसके साथ ही स्किन प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट डॉक्टर्स की देखरेख में किया जाता है। और साथ ही नेल आर्ट, हेयर केमिकल, हेयर रिमॉन्डिंग, कैरेटीन, हेयर पॉलिशिंग, हेयर स्मूथनिंग और इसके साथ ही अगले सीजन के लिए विशेष स्कीम ऑफर, ब्राइडल बुकिंग कराने पर 20% डिस्काउंट, करवा चौथ ऑफर, दिवाली विशेष ऑफर। एक बार हमारे यहाँ विजिट जरूर करें। हमारा पता है DM रोड, विवेकानंद स्कूल, नियर ममता हॉस्पिटल, विनायक कंपाउंड के अंदर, बुलंदशहर।